चल स्कूप पियो की भैया सस्ता सुंदर टिका। आज माया सारा भाई हमारे साथ आई है। How many of you can see the jawline? Tell me. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another episode of Hustle with Sara, where you and I, we hustle together. It's Impulse Day today, so hum Impulse ke liye shoot kar rahe hain. We are listing some more combos on our website for our apparel. Apparel ke liye itne combos hai nahi website pe, so that's a feedback we've gotten from you all. We are quickly getting some shoots done. We've got Amit in the house. Idhar hi kahin hai wo andar. Aur abhi humne ye bada sa hamara 9 feet ka backdrop lagaya, jiske liye pata hai wo new ghar mein mujhe ek pura loft khulwana pada hai, taki hum isko store kar paaye, kyunki 9 feet hai, lift mein bhi nahi ghusta hai. How will we take it 31 floors up in the new house? ये जो backdrops में नहीं आता है ये. Last time मैं साक्षी और सत्यम चढ़ाए थे इसको. ग्रेनाइट के लिए 6 लेबरल लगाए थे, तो इसके लिए लेबरल लगा रही है. इस बार तो सत्यम भी नहीं है. अरे हाँ, छोड़ के गया था वो. छोड़ दिया उसने. मतलब हम लोग को नहीं मालूम वो छोड़ के गया है कि वो गया है. वो बोला भाई, या आई वी डोंट नो इफ ही इज कमिंग बैक. इट्स अ मिस्ट्री. छोटू एंड हिम आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर जस्ट अक्वेंटेंसेस. वही ना, ये देखो ये 9 फीट का बैकड्रॉप. ये लगता नहीं इतना बड़ा गाइस, बट है ये बहुत बड़ा. आप सोचो मेरा पूरा हॉल ऑक्यूपाई हो गया इधर. बट या दीज आर ऑल ऑफ अस आर द मॉडल्स. एंड अमित आप भी चेंज कर लो. दे नीडेड अ मेल पे कैसा लगता है, तो हम अभी तुम्हारे साथ ही काम चला सकते. सस्ता सुंदर टिका. हमारी वायर छोटी थी तो अमित बोला मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ. अभी इतनी बड़ी वायर लाया. मेरे को वायर कम करनी थी घर में. अमित नहीं, वो अपने लिए लाया है. इसमें फ्लैश हो रहा था ना तुम्हारा, फिर छोटा वाला इधर उधर भागना पड़ता. अब लो ये, वो तो दिवाली के टाइम करो. ये केसल 67 पे लगा दो. और कुछ राज, एसएल 60 सीलिंग पे लगा दो. तू एक काम करना, तू थोड़ा 30 मिनट्स पहले आके हर बार माउंट कर देना. सिंपल. अब बोलो सजेशन. यस गो. हमें थोड़ा हेड रूम कम कर, तो बहुत ऊपर से ऊंचा हो रहा है क्या? हाँ, उसका प्रिंट जा रहा है. ऊंचा नीचे का कैसे खड़े थे दीक्षी और मोक्षा? कैसे खड़े थे? हाँ करो वो. हाँ वेरी गुड. रिड्यूस द डिस्टेंस. रिड्यूस तो बढ़ा क्या रही है. पाइनएप्पल का फोरशैडो किसने किया था? फोरसाइट. मैं ये टी शर्ट में नए फोटोज नहीं दे रही हूँ गाइस. आई एम अगेंस्ट इट. मैं आंदोलन रखूंगी. आई लव द फोटोज वी हैव इन प्रोकैफिनेटिंग कॉम्बोज ऑन द वेबसाइट. अमित मेरा भाई है गाइस, वो फिक्स करके देगा उसको हॉरिजॉन्टल पे. बेसिकली पायल को क्या, या पायल इज कंप्लेनिंग बिकॉज हमारे वेबसाइट पर, अगर आप वेबसाइट से जाओगे, क्या बोलते उसको, लैपटॉप से जाओ, बिफोर आफ्टर कर फटाफट, बिफोर आफ्टर कर देखिए गाइस. ये था वेबसाइट पे, पायल वांटेड हॉरिजॉन्टल एंड आई रिफ्यूज टू गिव अ न्यू सेट ऑन सच अ बोरिंग बैकग्राउंड बिकॉज वी शॉट एट अ कैफे ओवर देयर. सो नाउ अमित डिड हिज जादूगरी. वो जीन्स भी काट देगा तो चलेगा? मेरे को जमाना है, पैसा देता हूँ मैं, यूज करो उसको.
अगली बार से मैं आती नहीं हूँ, एक्चुअली आती हूँ। ये देखो हॉरिजॉन्टल बन गया झाड़ और पर्दे आ गए। No, not all combos could have been done. This has scenery na. I wanted this environment. वाले redo करने ही पड़ते। इतना रख देता ठीक है। अभी team photo लेते हैं चलो। और नहीं बाकी है। क्या बाकी है? अच्छा। और बाकी है। अच्छा। वरना तो ये देखिए देख कितने cute photos हैं। ये कैसे मैं वापस दे सकती? कैसे replace ही नहीं कर सकती? इतनी cute लग रही थी मैं। तुम्हें ही डालना था before after. हाँ मैं कितनी पतली लग रही हूँ गाइस आज के शूट में, बाप रे मेरे गाल ही चले गए। आई मिस माय गाल फॉर मोर। दिस इज द क्यूटेस्ट फोटो ऑन आवर वेबसाइट। आई लव दिस फोटो। मेरे नीचे से जगह ऊपर से। हाँ एंड आई एक्टेड इन दैट। मतलब मैं एक्चुअली उबासी नहीं ले रही थी, अनलाइक टुडे। आज मेरा रोजा है। ये कितना ईयर होगा वो देखना। नींद आती है रोजे में, कॉफी नहीं पियो ना। इसलिए मैं देखो बोली अब भी करके दिखा हो रहा है तो, नहीं तो इसके लिए तो बैठना पड़ेगा सर। एक हो गया ना। ये क्या हुआ हाथ को? वो इधर का ये जेनरी हो गया, बट वो निकल सकता है। वो निकाल नहीं सकता है, ब्राउन कर दो उसको। तेरा क्या डिफॉर्म लग रहा है? It's looking just fine to me, and I'm the founder, so I think I should have some say in this. No, acha okay. Being the founder, now. One eternity later. The next morning. Good morning. It is 4:45, 5:15 बोलते हैं I think हिंदी में, I don't know, मेरी हिंदी वाली टाइमिंग बहुत खराब है। बट इट्स द 8th रोजा और आज सहरी ये रूम में हो रही है। अभी हम इधर ही करते हैं हमारे खुद के रूम में सहरी, बिकॉज ईशान इज स्लीपिंग इन द हॉल। ही इज नॉट बीन वेल सिंस द पास्ट वीक। तो रात को उठ के ना रोता है, बहुत रोता है, तो इसलिए हम लोग उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करते बिल्कुल भी। एंड अपने अपने रूम में हम हमारी सहरी कर रहे हैं। आई शो यू व्हाट आई एम ईटिंग। आई हैव एग्जैक्टली 20 मिनट्स टू फिनिश माय सहरी। आई एम ईटिंग एन अंडा, 3 अंडे का अंडा, सम अंजीर, दही विद नमक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बीन वेरी वेरी हेल्पफुल ऑल्सो ऑन दही विद नमक। मुझे इतनी प्यास नहीं लगती इसकी वजह से। एंड बादाम दूध। दिस इज माई कम्प्लीट सहरी विद अ लॉट ऑफ वाटर, सो आई कीप सिपिंग वाटर बिटवीन दिस एंड देन ट्राई टू फिनिश एटलीस्ट 2 liters, 3 liter होने पर। नो फजू नमशु इसलिए फर्ज गोटा बात क्लीन बॉय, इम ए क्लीन बॉय। A few hours later. It's the 19th of March. I am getting to work now. मैं अभी नहा धो के निकली हूँ, जोहर की नमाज भी पढ़ ली, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वर्क। आज मुझे एडमिन का काम करना है, एंड टुडे इज 19th ऑफ मार्च, सो दैट मीन्स द मामा अर्थ एक्स फेमिना ब्यूटिफुल इंडियंस अवार्ड इज हैपनिंग टुडे। मैंने कुछ ब्लॉग्स पहले आप लोगों को बोला था कि व्हेन आई गॉट द इनवाइट आई ऑलरेडी न्यू आई वाज ट्रैवलिंग ऑन दीज डेट्स, तो मुझे मिस करना पड़ता, बट आई डिसाइड टू कैंसिल माई ट्रैवल प्लान्स जस्ट सो दैट आई कुड अटेंड द अवार्ड्स, बिकॉज एनीवेज आई वाज ट्रैवलिंग फॉर अ ट्रैवल कैंपेन। आई वाज गोइंग टू गो टू जम्मू और मेरा एक ट्रैवल कैंपेन होने वाला था उधर के एक एक्सपीरियंस के साथ, सो आई वाज गोइंग फॉर 4 days, but anyways during Ramzan to travel is difficult because रोजे के बीच में रोजा खोलो plus नमाज वगैरह सब होती नहीं है, तो I was not very keen anyways, but I wanted to go, like I've never been to Jammu and Kashmir, so I really wanted to go. I was 50-50, but then when the beautiful Indians happened, I was like I want to prioritize this because also I'll get a chance to meet Himadri after so long. मैं उसको कितने भूल गई हिमाद्री कैसी दिखती है, इतने टाइम बाद में उसको आज मिलूंगी। एंड शीज कम फॉर लैक्मे फैशन वीक, शीज एनीवेज इन द सिटी बट शीज रनिंग फॉर लैक्मे फैशन वीक here, and this time I didn't do लैक्मे फैशन वीक at all because Ramzan के time to attend the shows and all is a task. I'm not a very fashion week kind of girly. I don't enjoy fashion weeks as much. Again, Ramzan ke time pe mujhe fashion week ka itna preference tha nahi. Additionally, jo bhi mujhe gossip mili hai from Lakme Fashion Week, I've heard ke bahut thanda tha is bar event. It was not the same way as it usually is because Amit went, Sakshi went, Dikshi went, all of them had gone. Sakshi and Dikshi now work at different agencies, so they were also a part of it. And a lot of my creator friends were also telling me ke bahut hi thanda ho gaya hai Lakme Fashion Week is bar. But theek hai, main to waise bhi nahi jaane wali thi. Maine na hi bol diya tha 2-3 events ke liye. So Mamaat Femina, I really want to go. Aditi is coming from Delhi. She's come vaat subhi land hui hai, to usko bhi milne milega. Like I'll get to meet all my creative friends who I actually enjoy chilling with and who I don't get to meet very often because they don't stay in Bombay at this event. Wo bhi ek acha hai. Plus I have a really good working relationship with Honasa. I know Ghazal and Varun very closely and I don't want to miss it. You know, so just all of those reasons made me weigh the Mamaat awards. Or plus ye main iftari ke baad ja paungi. Like it's 8 PM is the time, but 8 baje koi nahi aata. Like events pe koi bhi time pe nahi aata. Wahan pe sara
स्टैंडर्ड टाइम भी काम नहीं करता, उसके बियॉन्ड ही जाना पड़ता है. सो 8 बजे इज द टाइम, बट मैं 7:30 बजे इफ्तारी खत्म करके तैयार होके आई विल गो आराम से, एकदम ज्यादा ही आराम से. अभी मैं अपने खाली बाल ब्लो आउट कर लेती हूँ एंड द आउटफिट आई हैव पिक्ड आउट इट्स ब्यूटीफुल. दिस न्यूड राइनस्टोन, वेरी वेरी सेक्सी फिट. मेरे बर्थडे के लिए एक्चुअली आया था फॉर द पैकेज सारा लॉन्च, और मैं बर्थडे पे नहीं पहनी बिकॉज मैंने ऑलरेडी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बना लिया था. सो आई वॉज वेटिंग फॉर एन ओकेजन टू वेयर दिस आउटफिट एंड आई फील लाइक टुडे इज अ गुड ओकेजन टू वेयर इट, सो आई विल वेयर इट फॉर द इवनिंग. दिस अटैचमेंट ऑफ द डाइसन द कोम वाला इज द फास्टेस्ट, लाइक इससे इतना फट फट बाल ड्राई भी हो जाते हैं और स्ट्रेटन भी हो जाते हैं, बट ऑफकोर्स नॉट द स्लीक स्लीक स्ट्रेट. सो दैट इन द नाइट बिफोर द इवेंट आई विल जस्ट गिव इट वन स्ट्रेटनर का गो, बट दिस इज माई गो टू अटैचमेंट फॉर वेन आई कैन नॉट डू द बैरल, बिकॉज द बैरल टेक्स मी लाइक दिस टेक्स मी अराउंड से 10 मिनट ज्यादा, बिकॉज उसमें सेक्शन करना पड़ता है, इसमें सेक्शन नहीं करना पड़ता. Let's get to work. आज शेरिन बाय द वे वर्क फ्रॉम होम पे, बिकॉज शी इज गोइंग टू कम विथ मी टू द इवेंट, सो आई विल डायरेक्टली सी हर इन द इवनिंग. उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो रोल रेस्ट एंड देन वील डायरेक्टली मीट इन द इवनिंग फॉर द इवेंट. घर का क्या स्टेटस है, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नॉट गॉन ओनली सिंस लास्ट वीक. मैंने पापा जाके मुझे फोटोज भेजते रहते हैं, सो आई नो कि क्या हो रहा है. कॉल दिस सिविल का. हेलो. हाँ, हो गया प्रकाश अंकल, वो डैडो और उसका क्लियर हो गया, तो टेम्पल भी बना के भी उसने पास भी कर दिया. अच्छा, ओ सॉर्टेड, वेरी गुड. हो गया ना, मतलब तो अपना कब तक हो जाएगा फिर सिविल का काम? आज मेरा डेढ़ो भी लग जाएगा, कल कटिंग बटिंग करके कल मेरा सिविल पूरा खत्म हो जाएगा. अमेजिंग, थैंक यू. ओके ग्रेट. खाली उनका एक टॉप बचेगा अपना सिंक वाला, जब भी उनका बॉक्स आएगा तभी. तो बट सिविल टीम निकल जाएगी अभी के लिए टेम्परेरीली? हाँ, निकल जाएगी. अच्छा ओके. और हाँ, ये पीयू वाले से आपने फाइनल कोर्ट मांगा? पीयू का काम मंडे से स्टार्ट हो जाएगा. मंडे तक लगते हैं? हाँ, मंडे से स्टार्ट होगा अभी. अच्छा, और ये जो लैमिनेट्स है ना अपने, उसको बोलना अच्छे से लगाने हैं, बबल्स नहीं आने चाहिए मम्मी के किचन में जैसे. चालू कर दिया. हाँ, बट ग्लू वगैरह अच्छे से लगाने बोलना, उसके लिए भेज दो सर, कोई टेंशन. पीयू का उसको फाइनल कोर्ट पूछो, अभी तो अपन सिर्फ स्टूडियो रूम में पीयू कर रहे हैं ना. हाँ, अभी मैं लेता हूँ उनसे फाइनल कोर्ट. हाँ ठीक है, ओके कूल. आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक. आई जस्ट कीप चेकिंग लाइक दिस बिकॉज आई कांट फिजिकली गो. पायल ऑल्सो वॉन्टेड मी टू कॉल हर. मेरा अभी रमजान रूटीन इज दिस होनी की मैं सो जाती हूँ रात को जल्दी 11 बजे तक, फिर मैं सहरी के लिए उठती हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस हो जाती हूँ, और फिर मैं जोहर से पहले उठती हूँ, लाइक 11 o'clock आई गेट अप इन द मॉर्निंग, देन आई प्रे नमाज एंड देन गेट टू वर्क. माई मॉर्निंग आई एम ऑन माई फोन, सो आई गेट टू वर्क लाइक दिस वर्चुअली. हेलो. हाँ बोलो, क्या हुआ? Hours later. اے اللہ چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ. اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما. اے اللہ منظور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ. اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنا دین حضور کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع موسم نصیب کر. اے اللہ میں قیامت کے دین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر. اے اللہ کی اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی. दादी का ही सोता है पूरा ही. मैं इतनी थक गई कि सबको बोले तू पूरा खाने का प्लेट नीचे गिरा दिया दोपहर में, खाना खाने बैठा तो उसका गिर गया, मतलब बाय मिस्टेक. बाय मिस्टेक ही होता है. सॉरी, बाय मिस्टेक. गिव गिव मम्मा गिव. फर्ज काटने गया था आज इसको बुरी तरह से. क्यों, क्या कर रहा है? हां चलो, हो गया. उस You got your water back.
तो शीतल वाला समोसा उसने नहीं मिला था ना अपने। बनाना इज नॉट देयर। ओके टेक वन मोर सिप टेक। गो ऑन, डिडंट लाइक इट। दो भाई मेरा मीरी तेरे को इवेंट में जाने है। ए मेरे लिए फोक लाएगी सबो। अरे दैट इज द सीड आई टोल्ड यू, यू कांट स्कूप दैट इन द मॉर्निंग ना। दिस वन मेरा बाबा ही। थैंक यू। सात दस को इफ्तारी खत्म करते के साथ डायरेक्टली चेंज्ड ग्लैम्ड अप एंड डूइंग माय हेयर एंड आई एम हेडेड टू मामाअर्थ ब्यूटीफुल इंडियंस अवार्ड। आई लव हाउ माय ग्लैम लुक्स, इट्स सो ब्यूटीफुली डन। आई वेंट फॉर अ बोल्ड लिप, दिस इज माय आउटफिट, मैं आप लोगों को बाद में मिरर में दिखाऊंगी। इट्स न्यूड सो आई वेंट फॉर अ बोल्ड लिप एंड लाइक रियली कैट आईज विद द लेंस। दिस इज पैक्स मूनस्टोन लेंस एंड शार्प विंग। आई एम जस्ट स्ट्रेटनिंग, एकदम स्लीक लुक दे रही हूं मैं। लव इट। It's giving Medusa. Should I add a little turn to the straighten or sleek is better? No, sleek is better. Sleek. Yeah, with the eyes. That's what I had planned this way only. Get this remote. Where you got this remote from? From the white one. That's my car's remote, Isha. Now I need to get ready. Chalo. Come here. Come. First. Come. I'll give you. Please can. I'm ready for the Beautiful Indians Award. This is my outfit. It's a quad set, nude quad set from A La Mode by Akanksha. And it's so pretty. It's so pretty. I love it. It's really giving. Paired it with this wine lip and a cat eye. And this bag to match my lip. And a nude heels. Very kitten heels because mujhe zyada heels ki zarurat nahi hai. But I love it. I love how it looks. Let me know in the comments what you think. And let's go. I'm getting late. 8 baje ka event tha. But 8:30 baje tak main idhar hu. Even if it starts on time, it's fine. I just have to go. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. What's your idea? My idea of doing this is just to be genuine and authentic in whatever you do. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I'm wearing heels. मुझे तुझे ऐसे करना पड़ता ताकि लिपस्टिक ना लग जाए। ये आउटफिट खराब करती है क्या? या मैं आउटफिट खराब हूँ तो लिप ग्लॉस भी लगा देती हूँ। गाइस यस मिलती मैं अपनी सिक्स फुट एक और दोस्त है एस नाम की, जस्ट ऊपर
Whatever I am today is because of my dad, my papa, and it feels nice to get these awards. मेरे co-star है यार यहाँ पे अपार. Who's excited for Scream 2, guys? Scream 2 just got announced today. It's my absolute privilege to welcome the eternally graceful, always beautiful, the sensational superstar Madhuri Dixit ji. Very good evening to all of you. It's wonderful to be here. This room is full of beautiful people, but beautiful not only on the outside but also from the inside. So congratulations to all the awardees. That looks like a star. Okay, like it looks stunning. I am taking inspiration from the best. I have to dial up my game. गाइज हम अवार्ड्स के लिए अंदर गए बाहर आए अंदर गए बाहर आए. अब तक खाना खुल चुका है बट हम बाहर जाके खाने का सोच रहे हैं. We've got everybody from the YouTube gang in the house. शालिनी, जानवी, कोकी, गोपाली is right here. Hello, भूख लगी है. Madhuri is the person who doesn't stay when we are all taking photos and then she comes last में and then puts everybody on the job bending and everything. ईशान को क्या काम पे लगाया है. गाइज मेरे आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच देखते हो आप लोग क्वीन से नहीं मिले हो मतलब लुक गेट्स द क्वीन इज हियर गाइज शी नॉट ओनली गेट्स ऑफ सब कुछ आता है इसको एंड शी इज सो टैलेंटेड. मैं उस दिन कल डांस को भी वो पूरा का पूरा पूरा का पूरा सिलाई से लेकिन एवरी शी इज वेरिंग हर ओन क्रिएशन. शी लुक्स स्टनिंग सो ब्यूटीफुल. यू ऑल शुड फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम. अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो प्लीज फॉलो कर देना. नैन्सी शी इज आल्सो वेरी प्रोमिनेंटली ऑन देयर ऑन YouTube. Really? Yes. Does not come in my explore. अच्छा, I she's come on my Instagram. YouTube भी दोस्तों plug in है ये. Instagram and YouTube. गोपाली तो रुकी भी नहीं कि हमको टेबल में ले गए. शुरू हो गई वो सीधा खड़े खड़े. Guys, मैं बता रही हूँ जो लोग खा रहे हैं बैठ के टेबल पे वो उठ नहीं रहे. ये लोग उठने का वेट कर रहे हैं. जब तक वो उठेंगे मेरी पेट पूजा हो चुकी होगी. अरे प्लेस गाइस वी आर स्टैंडिंग एट अ रॉन्ग प्लेस. वी हैव एन आफ्टर पार्टी सीन हैपनिंग इन क्वकीज रूम. शी इज होस्टिंग अस इन बॉम्बे गाइस. भाई तू कितना साफ रखती है रूम क्वकी. अच्छा ओ ही न्यू ही एंटीसिपेटेड दिस. मेरा भाई है वो. क्या दुख रहा है आपका. आई स्वेयर मुझे चार्जर देखो की चार्जर. ये तो चप्पल देखो इसकी. मैं और ईशान बच गए. उनको एपेटाइजर्स नहीं है और कीमा पाव भी पता नहीं क्यों. मेरा अभी तक से फ्रेश लाइम वाटर आ रहा है. इन लोगों के कैसे कैसे ऑर्डर है. पिंक सॉस विद ब्रोकली, आलू ओलियो विद ब्रोकली, चेरी टमाटो, ऐसा ऐसा चूज करूँ. तुम कर दो चूज चलेगा मेरे को कुछ भी. एपेटाइजर्स ही नहीं है तो क्या. अभी बास्केट वास्केट नहीं चाहिए मेरे को. मसाला ऑमलेट ब्रेकफास्ट मैंने बोल के क्या दिया ऐसा. तुम लोग कैसे. मैंने इसको बोला था सुबह के 5 बजे नहीं हुई. मैंने मेरी शाम की 5 बजे की करी कि तुम अकेले यहाँ से लाइक सूरत के हर 2 घंटे में होती है. सही है ना फ्रीक्वेंसी. The thing is, these people know how to book the train tickets. That's the main locha. No, I don't. She is the expert, na? She knows how to book. She's an expert. मेरे को भी नहीं आता है. मेरे को नहीं आता है. Guys, pay me. Gopali ticket. वही खोल तू. वही खोल. Tours and travels. क्या टिकट बुक करती है. गोपाली की ओला भी आएगी आपको लेने. गोपुर ट्रैवल एजेंसी. तुमको क्या मन है खाने का. तुम कुछ भी के बहाने हमको मिला नहीं ना. बटर चिकन तो मैं ऐसे खाऊंगी फिर तुम नान के साथ खा लेना. पर वो मन मतलब मैं नान नहीं खाती ना. फिर क्या खाते तुम. बटर चिकन सिर्फ चिकन.
Yes, now can you please help me with a penne pomodoro with chicken? Certainly, ma'am. Okay, and what else, ma'am? One decadent chocolate pastry, the sugar-free version. The salami moment. Okay. And my previous order was already with you of the two veg pastas and some drinks. Yes, ma'am, we do have. Okay, so can you just send everything up as it's ready? Absolutely, ma'am. And the penne pomodoro, would you like to have any veggies? No, just the chicken, a lot of it, please. Ordered pasta and soda and virgin mojito and something and mera nimbu pani with salt, no sugar. Main to Ishan ke saath baith chuka. Mass sugar free dessert. One eternity later. 3:30 baj rahe raat ke and I have just got home. I dropped all the girls home aur ab kya hi sona, matlab sehri ke liye mujhe uthna hi hai ek ghante mein, to ab main sone nahi wali hu. I'll just get my glam off and prepare for sehri and directly iftar to event to sehri ho raha hai, uske baad mast so jaungi aur fir late uth ke kaam shuru karungi. But yeah, it was such a good event. I'm so glad that I cancelled Jammu and I'm here for it, because Mamaearth Beautiful Indians is the one event jahan par you get to meet a lot of YouTubers, like YouTube heavy crowd aata hai. That is apna crowd. Like jab aap YouTuber ho to YouTubers aapko apna crowd lagta hai. Like we don't get to meet all of us together at one event, because beauty events are very beauty centric. Fir usme koi koi hota hai, koi koi nahi hota. This all of us are together, and of course the after party was more fun. We were all chilling in Aditi's room and just talking and gossiping and eating food and deciding what to eat like half the time. To bahut maza hai. I will get my glam off and prepare for bed/sehri. Let's go. Aaj main vlog nahi dal pai, because vlog mera review karke hua nahi tha. Edited तो है व्लॉग, बट रिव्यू करके हुआ नहीं था, सो आई कुडंट अपलोड इट. काफी लंबा व्लॉग था. दिस इज द अजमेर वाला व्लॉग. तो इफ यू आर मिसिंग माय लॉन्ग लॉन्ग अपलोड्स, देन द अजमेर व्लॉग इज दैट लॉन्ग होलसम व्लॉग दैट आई एम अपलोडिंग. बट आई नीड टू गो थ्रू द होल थिंग. इट्स कम टू मी ओनली सुपर लॉन्ग, सो आई नीड टू चेक इट आउट. और अभी मैं सारे मेल्स रिप्लाई कर रही हूँ टिल द सहरी टाइम. इट्स ऑलरेडी 4:15. मम्मी ऑलरेडी सहरी का काम शुरू कर चुके हैं, बट आई एम वर्किंग. मुझे बहुत नींद आ रही है, बट आई एम वर्किंग ताकि मैं लेट उठ पाऊँ. The main reason I'm working now is because by the time people get up and read my mails, I will be still sleeping. And I'm starting my sehri. एक घंटे में ऑलरेडी स्टार्टेड एडिटिंग द गेट रेडी विद मी, जो मैंने आज के इवेंट के लिए शूट किया था ताकि कल सुबह आई कैन पोस्ट इट व्हेन आई गेट अप. एंड दिस इज माय सेहरी. वैसे मेरा एडिट कंप्लीट नहीं होगा, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर सेहरी एंड किलिंग टाइम. बट अब जब सेहरी आ गई है, आई एम गोना डू माय सेहरी एंड स्लीप. मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ. दिस इज माय चिकन कीमे का अंडा, सेम दही और नमक. और आज एप्पल है फ्रूट के लिए, कल अंजीर था. One eternity later. What's up guys? It's the next day of the awards. कल रात को इतनी ज्यादा मजा आई और सहरी करके आई स्लेप्ट. आई गॉट अप एट 11, बट आई वाज स्टिल इन बेड टिल 2 o'clock. I just got up at 2 to shoot, because मुझे एक बहुत urgent brand campaign submit करना है, काफी time से pending है. So I'm just doing my makeup and getting ready for it. और मैं हाथों से कर रही हूँ, because I don't know why I'm again getting breakouts. I'm eating so healthy, I'm taking care of my skin, but still my skin wants to break out. There is no fixing. Like PCOS is such a journey ना, it's not going to happen over. Like my skin doctor keeps telling me कि you're eating healthy, अभी आएगा slowly. Like the hormones will take time to settle. It's only been 2 months of me eating healthy. But yeah, last night I had shown so much self control. There was so much pasta and cheese and dessert in the room. I took like only 2 spoons of the sugar-free pastry and like 2-3 spoons of the pasta. That's it. Like that's the kind of self-control I've shown. But yeah, it's showing results, so I'm happy. मैंने सिर्फ concealer लगाया. I've used the Fenty Beauty BR Even concealer. ये India में ही मिल रहा है. By the way, मैंने Singapore से लिया था. Honestly, this is such a good concealer. कल मुझे जाना है क्रिजान के साथ to select curtains. Curtains and match the parde ka kapda with the sofa ka kapda, and all the kapda has to be matched. So that's probably like one of my last selections. Uske alawa mujhe 2 AC khareedne hall ke liye and door handles. That's the only like major stuff I have to do. But yeah, with Ramzan I feel like my days are very short, because I plan everything between 2 to 6 PM. Uske aage aur piche main kuch bhi nahi kar pati hu zyada. Is Turkish Delight still sold out on Nykaa? Because I was getting so many DMs ki Turkish Delight is everyone's Turkish Delight. Guys, Fajmina is such a pretty blush. Also, like फज के ऊपर मैंने ब्लश नेम किया, तो जस्ट इमेजिन. आई एम यूजिंग माय पैक एक्स सारा. सिंस आई एम गोना डू अ लॉट ऑफ कलर्स ऑन द आई, आई एम
गोना कीप माय ब्लश वेरी लेस. तो खाली एक एक ड्रॉप डाल रहे हो आप पिगमेंट देखना खाली वन ड्रॉप दैट्स इट. एंड दिस इज द वेरी प्रिटी पीची कलर. ओके लाइक एन एप्रिकॉट जूसी ऑरेंज. वे दिस लुक्स सो जुट्सी. आई लव इट. लुक एट दैट ब्लश. लाइक इट मेक्स योर ब्राउन स्किन लाइक मोर पॉपिंग मोर फ्रेश. दैट्स द वाइब. द फ्रेशनेस ऑफ दिस ब्लश इज everything. मुझे वो ही चाहिए था. I was so particular that I did not want a tint, just something that tints and then goes away. This is a blush, a liquid blush that's making your cheeks look like they have life. Even if you apply it on bare skin, look at the amount of pigment. Oh, mad. खाली एक एक ड्रॉप से कितना हो जाता है. ये आप एक खरीदो पूरा मतलब सालों साल चलेगा आपका. Even if you use it every day, because I'm using it every day, I'm still on my first set of products apart from the samples that I had. उसके बाद जो है first fresh bottle है मेरे पास और दो तीन bottle पड़ी है. But just this is my first and I'm not yet completed it and I only use these every day. The Fajminot and Turkish Delight. Fajminot and Turkish Delight. Like this, if you don't have to even ask my blush. I was looking at people's blush and I don't know why. मैं देख के बता सकती हूँ कि अगर तुमने Turkish Delight लगाया तो. I look at Prabhleen and I was like, you put Turkish Delight. She was like, yeah. And I was like, you're up for Turkish Delight. So it's such a vibe because it's, you know, it's a product that I have made yesterday. Even in Aditi's bathroom, I saw the dewy hydrating mist kept. So it's a very nice moment to see my products there in people's vanity. It's insane. For lipstick, I'm using this one from Rufa Beauty's Tinted. This brand also is so underrated because it's an Indian brand. And I really, really love using Indian brands. Main kitna Indian brands ko support karti hu. I know ke aap log itna YouTube pe usko dekh nahi paate ho, but Instagram pe you should follow me. And mere sare reels mein, meri stories pe, small businesses, I support a lot of small homegrown labels on my stories. Main ye sare products bhi use karti hu. These are not, I don't know how small they are in their numbers, but they are definitely homegrown brands. Like homegrown matlab Indian businesses. So this is Rufa Beauty's Tinted and this lipstick is so comfortable matte. Like you all know I love my My Hues lipstick, which is also an Indian brand. But Rufa Beauty ki jo lipsticks hai na, they are like a soft matte formula. And I know ki Indian brands aap logo zyada mehenge lagte hoge, but that's the thing, you know, to make in India is not cheap. I don't know why people think just because India as a country, our economy is labeled in a certain sort of way, people think to make in India is cheap. I have a made in India business and I can tell you ki to make in India is very expensive. And then to sell in India, to be able to match up, hum wo international brands ke prices ko match hi nahi kar pate. To isiliye hi in made in India cosmetics ya Indian cosmetics are expensive. But they definitely don't compromise on quality if they're asking you for that price tag, that's for sure. Like this lipstick is such a beautiful soft matte formula and it's such a pretty color. It's in the shade Dawn Fantasy. It's one of my most, ye hamesha mere bag mein hoti hai, hamesha. Look at that brown. Jab bhi main isko pehenti hu na, I get compliments aur mujhe sab log poochte hai kaun si lipstick lagaya hai. I'm just putting it, like isko aap blush ke jaisa bhi use kar sakte ho. It's got that moussey texture aur ye matte set ho jati hai, but main ispe gloss lagane wali hu. I'm gonna put thodu sa Maybelline's Topaz. This gloss, you guys, isko khali tube mein dekho kya chamakta hai ye gloss. See, sparkle and the wetness. And it smells like rose ke time pe. Smells like caramel butter. Not like I have it without rose also. I went through yesterday without coffee. Can you believe it? Like I thought I would need it, but I'm bhool gayi coffee peena. Kyunki hum ghai mein the nikalne ke liye. Aur toh bhi hum jaldi pahunche the. Hey, hum 9:45 pahunche. Kuch din shuru hua tha. Like the first round of awards had started. Okay, now I'm gonna shoot for Maybelline and I'll see you in a bit. This is my fun and playful look for Maybelline. It's got so much happening. It's just a very fun graphic liner with like polka dots is the vibe. So sare liners ke sath I could play in this and it's really like with a glossy lip. I think it's such a vibe with my white dress and yeah, this is the look. Ab main thode edits kar rahi hu and I have some interviews for some editors. You're going. The next day. It's 11:30 and we've come to Purple Patch to select the parde ka fabric. Parde ko match karna hai. Curtains and parda the same thing. English teacher ke saath baith ke tu. Ek to main itna English mein bolti hu, sab log vlog mein complain karte ki tumko Hindi nahi aati hai. So we are matching. Ekdam acche se acha aur kya bata. आज माया सारा भाई हमारे साथ आई है तो फिर बहुत टाइम लगेगा ये पर्दे सेलेक्ट करने का. ऑलरेडी शी इज डिसअप्रूव्ड व्हाट आई सिलेक्टेड फॉर द बेड एंड मेड देम रिमूव अ न्यू बुक.
look and a new fabric altogether. So we are already on the revamp side. Jahan maine aur Krizana last time already selections kar rakhe the. This is more sustainable. I see from the long run na ki teko wapas badli nahi karna padega. That's so unlike me and my choices, but this is super. This leather doesn't feel like it feels like a soft touch mat. Like suede, but is leather. And ye humne pehle finalize kiya tha bed ke liye, but abhi hum ye le rahe because mummy bole dhulne ka and just ganda bahut hota hai. Dust baithta hai na and pura time wo crevices mein se nikalna karna bahut mushkil. And main to matlab. And you are giving this like fluted. Yeah, fluted design. It will not look as fluffy as like a velvet or a boucle, because that reflects some kind of light, no? So volume looks little more. Versus in something like this, it will look a little more chappat. Yeah. Like the chairs you're sitting on. Achha, see, itna flat. See how this looks versus that. That is the difference between the two fabrics. Office chair ke liye thoda aur happy chahiye. Kya hai? क्रीम कलर या सी दिस कलर आई टोल्ड यू दिस कलर इज ब्यूटीफुल वी हैव टू नैनो टेक इट ओके अदरवाइज इट विल बी ब्यूटीफुल ओनली ऑन डे 1 एंड डे 10 आफ्टर दैट बट इट्स सो ये कलर आई रिमेंबर वी हैड ऑल हैड दिस कलेक्टिव व्हेन वी सॉ इट आई एग्री सो पुफी बेड मेन कर्टन अच्छा व्हाट बेस वी आर रेकिंग गोल्डन प्लेटिंग के रोज गोल्ड वो भी महेंद्र जी पूछ रहे थे क्या कलर गोल्ड ना ब्रास ना वेल माय हाउस का शॉपिंग इज हैपनिंग इन लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट ओनली इट्स सो कन्वीनियंट यहाँ पे सारी दुकानें मिलती है नाउ वी आर गोइंग टू गो बाय डोर हैंडल्स सारे डोर्स के हैंडल्स फ्रॉम मेन डोर टू कबर्ड्स टू वार्डरोब्स टू एवरीथिंग दिस इज वेयर वी वर्क फॉर माय कपड़ा पर्पल पैच दैट इज माय फैब्रिक शॉप और द कर्टन्स एंड एवरीथिंग आज मुझे कम्प्लीट ही करना है सारी शॉपिंग मैं आपको साइट पे तो नहीं लेके जा सकती बिकॉज अभी काफी चीजें चेंज हो गई है साइट पे और अब मैं आपको सीधा फाइनल टूर्स में दिखाऊंगी आई एम सो ग्लैड रोजा आर नॉट इन मे राइट नाउ बिकॉज मे रोजा वुड हिट पत्ता आई शुड पुट पत्ता ऑन माई डोर हैंडल साउंड्स लाइक अ वाइब आई लाइक दोज द सेमी सर्कल थिंगीज आई लाइक द लीव्स वी नीड लीव्स इन द हाउस इन योर वॉलपेपर डोंट लेट मी एक्सपेरिमेंट विद माई चॉइसेस गाइस आई लाइक दिस यू आर गोइंग फॉर द स्मॉलर वाइब इन द कंसोल देन दिस इज अ वाइब ऐसा खुलेगा लेकिन क्यों मालूम है क्योंकि ये नीचे लेग्स मैंने वो राउंडेड दी हो ओके इसलिए मैं इससे और बोल रही हूँ ऊपर वो क्रिजेन राउंड वाले वर्सेस एन घोड़ा बना है उस पे घोड़ा बना है बट ये शटर नहीं खोल सकते ना वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर ड्रॉअर एंड दिस आर द सेम शटर्स हैव द सेम व्हिच राउंड दीस नो दे आर नॉट अ वाइब जिम बंद हो जाएगा जल्दी जल्दी ये हफ्ते का फर्स्ट वर्कआउट है शर्म आती है आपको आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं इट्स ओके आई एम वर्थ द वेट लेट्स गो डेडलिफ्ट प्रो मैक्स So your Russian bull should touch the barbell. Okay, done. Now the rule is my knee should not cross the barbell. Huh. So the only way I can do it is by pushing my hip back. Okay. Is there any other way? No. No. Or कुछ तरीका है नहीं ना? Either you will push your knee forward and sit down, or you will push your hip back and sit down. Right. So second option ये हमारे पास बचता है, you will push your hip back and sit down. Hmm. So in this position you can literally grab the bar. एक बार bar grab किया tight. Back neutral. हाँ. उसके बाद अभी back around है मेरा, ठीक है? Now your back will be completely arched and will be standing. Now remember, there's a difference between lifting the bar and standing up with the bar. You have to stand up with the bar. The moment you try to lift, you mess it up. Okay. So what you are doing, इसको पकड़ लिया. Hmm. You are not using your hands. Hmm. You are doing a proper leg press. अच्छा. The hands are just holding the bar. Hmm. And you are doing a leg press. That's right. ठीक है? Go. Okay, switch. Back neutral, neutral पर चलो पूरा hip, take your hip back and back पूरा straight, back पूरा straight. Not bad. चलो go. Push your hip back. Tap and come. Tap नहीं हो रहा है. सारा tap करो. 3. Okay. Back round हो रहा है. Straight रखो.
4, very good. Look at this, guys. How many of you can see the jawline? Tell me in the comment box. A few hours later. It's Friday night और अब मैं वर्कआउट के लिए जा रही हूँ. टुडे आई हैव अ वर्चुअल ट्रेनिंग सेशन विद यश. सो बेसिकली आई कैन हैव वर्चुअल और रियल टाइम. मोस्टली मैं बहुत लंबा ब्रेक लेती हूँ तो ही कम्स रियल टाइम टू चेक ऑन मी एंड सी हाउ आई एम डूइंग. बट वर्चुअल ट्रेनिंग इज ग्रेट बिकॉज देन आई कैन बी एज लेट एज आई वॉन्ट एंड ही जस्ट टू जॉइन. बट ऑनेस्टली यू गाइज, जब से मैं आस्क नेचुरल के प्लान पे आई हूँ, यू ऑल कैन सी द डिफरेंस. लाइक जब अब मैं ब्यूटीफुल इंडियंस के लिए गई थी, आई पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग. एवरीवन इवन एट द इवेंट हैज बीन कॉम्प्लीमेंटिंग ऑन हाउ मच ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन माई बॉडी हैज हैड इन जस्ट वन मंथ. और मैं खुद देख सकती हूँ इम्पल्स के शूट पे भी, लाइक बिफोर आफ्टर्स आई हैव ओवर देयर ओनली, बिकॉज मेरा तो ओवरसाइज टी शर्ट है इम्पल्स में. यू कांट रियली टेल इन द बॉडी शेप, बट यू कैन टेल सो मच इन माई फेस, लाइक माई जॉ लाइन, माई डिम्पल, ऑल ऑफ दैट हैज लाइक टोटली कम बैक एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई शुड ऑलवेज वर्कआउट, राइट? मैं हमेशा एक्टिव रही हूँ मेरी लाइफ में. ऐसा नहीं कि मैं घर में बैठी रहती हूँ. आई ऑलवेज हैव बीन अ जिम पर्सन, अ स्विमिंग पर्सन. कुछ ना कुछ तो मैं करती हूँ एक्टिविटी वाइज. आई कीप माई सेल्फ वेरी एंगेज. इफ आई यूज टू नॉट हैव ट्रेनर्स, आई यूज टू डांस एट होम, लाइक मेक श्योर माई बॉडी इज ऑलवेज मूविंग. आज नेचुरल के प्लान से मुझे ये समझा है कि आपका न्यूट्रिशन, आपका डाइट आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मैंने कभी भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया है. एंड ऑनेस्टली आई नो कि उनका प्लान थोड़ा महंगा है, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ एन इन्वेस्टमेंट इन योर बॉडी बिकॉज द वे ही मेक्स यू थिंक अबाउट योर फूड, आपका फूड के साथ एक रिलेशनशिप बन जाएगा. लाइक मेरे माशाल्लाह से रोजे इतने स्मूथली जा रहे हैं, मुझे फील भी नहीं हो रहा है. एंड दैट्स बिकॉज ही चेक्स ऑन व्हाट आई ईट इन माय सहरी, व्हाट आई ईट इन माय इफ्तारी, मेक श्योर दैट आई एम नॉट हैविंग शुगर इन माय इफ्तारी. बिकॉज आई ऑलवेज रिमेंबर कि आफ्टर इफ्तारी आई शुड फील सो लेथार्जिक, बस मैं सो जाती थी, मालूम है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी इफ्तारी के बाद. एंड लुक एट मी नाउ, आई एम गोइंग फॉर माय वर्कआउट. सो इट्स बीन सच अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हाउ आई फील, माशाल्लाह. एंड दैट्स ट्रूली ट्रूली समथिंग दैट्स ऑन योर प्लेट. एंड द बेस्ट थिंग व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हिम इज कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ या मैं नहीं फॉलो कर पाती हूँ कोई दिन पे, या कुछ चीट हो जाता है ना, सो ही डजंट मेक मी फील बैड अबाउट इट. लाइक ही नॉट मेक मी फील कि अब तो तुमसे हो ही नहीं पाएगा, मतलब तुमने दो तीन दिन फॉलो नहीं किया डायट तो तुमसे हो नहीं पाएगा. ही ऑलवेज ब्रिंग्स मी बैक ऑन ट्रैक. सो दैट मोटिवेशन फैक्टर इज ऑल्सो देयर बिकॉज वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं मेरे खाने पीने का, मुझे भी अकाउंटेबल लगता है. एंड ऑनेस्टली इतना मुश्किल नहीं है फॉलो करने के लिए, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ. ट्रूली अ ट्रांसफॉर्मेशन आई नेवर सॉ कमिंग. लाइक मुझे कभी लगा भी नहीं था कि मैं एक महीने में इतना वेट लॉस कर पाऊंगी. आई डोंट नो कि मेरा कितना वेट है, अभी मैंने वेट नहीं चेक किया, बट आई कैन सी द इंचेस में डिफरेंस. आई एम डेफिनेटली, लाइक मैं एक्स्ट्रा लार्ज हुआ करती थी नीचे, अब मैं लार्ज पहन रही हूँ गाइस. लाइक दैट आर लाइक स्मॉल स्मॉल चेंजेस आई कैन ऑलरेडी सी इन माई बॉडी हैपनिंग. द काइंड ऑफ जीन्स, मेरी सारी जीन्स लूज हो गई है, मेरे सारे कपड़े लूज हो गए, मतलब ऑल ऑफ दैट विद इन टू मंथ्स इज मैड. लाइक इट्स मैड, इट्स समथिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर. मैं हमेशा उनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, सो यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट हिम इफ यू आर लुकिंग टू यू नो जस्ट बी मोर माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग और अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और अ हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, या आपके कोई भी हेल्थ गोल्स भी है मीट करने. बिकॉज मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ वाइज, मैंने उनको सब बता के रखा था विद PCOS, माई फाइब्रोमाइलजिया, मेरा ACL टेयर का हिस्ट्री, सब कुछ बता के दे टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंटेबिलिटी एंड दे शो दैट customize it to you. And you don't have to be based in Mumbai or even in India for that matter to avail his services because it's virtual completely. So unke calls hote hai, video calls hote hai, virtual training hota hai, virtual yoga hota hai, har cheez virtually kar lete hai. So there's nothing that you have to be on ground for. Like right now it's 8:11, I'm going to reach the gym by 8:30 and then I'll start my virtual training. So it's going to be very convenient. Vlog nahi kar paungi because main phone se hi training leti hu. So yeah, that's that. I'm going to end the vlog right here. Ghar ke to kafi kalesh chal raha hai guys, main kya hi batau aap logo ko. Bas aap dua karo ke घर मेरा जितना मेहनत मैं कर रही हूँ पाई पाई जमा करके वो घर बनाने के लिए उतना वो मेरे लिए फले. और दादी हमेशा बोलते थे कि बस वापरना नसीब हो, अल्लाह पाक प्लीज बस वापरना नसीब करना वो घर का. जब इतना मेहनत जा रहा है वो घर में, बस वही रोज मेरी दुआ है और वो एक ही दुआ है मेरी रमजान में. बस आप लोग भी अगर रोजे रख रहे हो तो प्लीज प्लीज प्रे फॉर मी, प्रे फॉर दैट जस्ट वन लाइक स्मॉल थिंग कि मेरा घर माशाल्लाह से अच्छे से बन जाए जितनी मेहनत जा रही है उसके लिए. आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट अ बिग थम्स अप इफ यू डिड. एंड फॉर टुडेज़ वीडियो द सारा स्क्वाड शाउट आउट गोज Iman Khot. Thank you so much for purchasing the Pack Xara collection and loving it. I've definitely read your comment and it brought such a wide smile to my face. Agar aapko agle video ka Sara Squad Shout Out banna hai, you know what to do. Hit subscribe button, bell icon right next to it. And also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad. And so it's part of my next video, Sara Squad Shout Out. I'll see you guys in another video. Bye guys, love you.